इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से पार्ट डिफरेंसेस कौन से हैं। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों चलिए इसका जवाब देखते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये, तीसरा डिफरेंस है ये, चौथा डिफरेंस है ये और पांचवा डिफरेंस है ये। दोस्तों आपने इनमें से कितने डिफरेंसेस ढूंढे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस इमेज को ध्यान से देखिए। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए और अब इस इमेज को ध्यान से देखिए और अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था। अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था। और अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था। दोस्तों क्या आप इस मेमोरी टेस्ट में पास हो पाए? आप अपना जवाब कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिली 5 साल की एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। एक दिन उसका किडनैप हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद पुलिस आती है। पुलिस को उस अपार्टमेंट में 3 सस्पेक्ट्स मिलते हैं, मिस्टर वर्मा, श्रद्धा और मिसेस जॉन। पुलिस उन तीनों से पूछताछ करती है। तीनों ही किडनैपिंग की बात से मना कर देते हैं। पुलिस समझ जाती है कि इनमें से ही कोई है जिसने लिली का किडनैप किया है। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता है कि अब इन तीनों में से लिली का किडनैपर कौन है। तो पुलिस उस अपार्टमेंट में उनके घरों की जांच पड़ताल करती है। तो दोस्तों क्या आप इन तीनों के घरों को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि किसने लिली का किडनैप किया है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों क्या पता लगा पाए कि इन तीनों में से किसने लिली को किडनैप किया है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। लिली का किडनैप मिसेस जॉन ने किया है। अगर आप मिसेस जॉन के घर को ध्यान से देखोगे तो सोफे पर एक टेडी बियर रखा हुआ है और ये वही टेडी बियर है जो लिली ने अपने हाथ में रखा था। यही देखकर पुलिस समझ जाती है कि मिसेस जॉन ही किडनैपर है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों क्या पता लगा पाए कि इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। दोस्तों क्या आपने भी यही जवाब दिया था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
दोस्तों इस इमेज को ध्यान से देखिए और बताइए ये कौन सी एक्ट्रेस है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों क्या आपने अपना जवाब कमेंट किया? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। ये एक्ट्रेस है। ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते हैं? दोस्तों इस पहेली का जवाब जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों क्या आपने इस पहेली का जवाब कमेंट किया? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इस पहेली का जवाब है केले का पेड़। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों क्या आप पता लगा पाए कि इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, ये कौन सी फिल्म है? और इस सवाल का जवाब है, इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया है, उन सबका धन्यवाद। लेकिन हम सभी लोगों के नाम नहीं ले सकते हैं। उनमें से पहले 6 लोगों के नाम हैं नमन देव, रंजना सिंह, अनिका परवेज, पंडित सुमित शर्मा, रितेश चौरसिया और दीपक साइनी। और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का सवाल है, इस इमेज को ध्यान से देखकर बताइए ये कौन सी फिल्म है? दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए जिसमें 3 इमेजेस को मिलाकर किसी एक सब्जी का नाम बनता है। तो क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि सब्जी का नाम क्या है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों क्या आपने अपना जवाब कमेंट किया? अगर नहीं किया तो आप अपना जवाब जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों यहाँ पहले इमेज में दिख रहा है मिट्टी का एक बर्तन, मतलब एक पॉट, और दूसरी इमेज में दिख रहा है इंग्लिश लेटर ए, और तीसरी इमेज में दिख रहे हैं पैर और उनकी उंगलियां, मतलब टो। तो पॉट, ए और टो को मिलाकर बनता है पोटेटो, मतलब आलू, जो कि एक सब्जी का नाम है। दोस्तों क्या आपने भी यही जवाब कमेंट किया था? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।